कै गो सीट लिया है आज जी? एगो और मुश्किल से एगो और मुश्किल से एगो। इसी में खुश हैं, खुश रहिए, खुश रहिए। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार, दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास ऑल इन वन गेज पेपर। तो दिए अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार रिटन पास गेज पेपर के साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। झारखंड में झामुमो गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई है, उसको लेकर बिहार में राजनीति तेज है। खास करके राजद के तेजस्वी यादव बहुत खुश। उन्होंने कहा कि जो हाल भाजपा का झारखंड में हुआ वही हाल बिहार में ही होगा। लेकिन वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने इसको लेकर राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि राजद कितने सीटों पर वहाँ पे झारखंड में उन्होंने चुनाव जीता है, मात्र वे एक सीट ही जीत सकी है। तो देखिए रामकृपाल यादव इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कै गो सीट लिया है आज जी? एगो और मुश्किल से एगो। इसी में खुश हैं, खुश रहिए। मैं समझता हूँ कुछ लोग मुख्यमंत्री का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता इतना बेवकूफ है? बिहार की महान जनता विगत 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है, अद्भुत काम है और सभी लोगों के लिए काम किया है। ऊपर में मोदी जी और नीचे में नीतीश कुमार, इस संयुक्त रूप से जो डबल इंजन की सरकार है, वो गांव के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़ियों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, सबके लिए मैं समझता हूँ कि काम किया है। और ऐसी सरकार जिसने सबकी सेवा भाव से काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के पुनः वैसी सरकार को लाएगी। लेकिन झारखंड में बिहार पीछे चला गया था। झारखंड तो आपके सीएम बिहार गए, कौन आपके सीएम बिहार? समीक्षा होगी, क्या कारण है झारखंड में हार का, समीक्षा होगी। बिहार को असर पड़ेगा? दूर 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 तक कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ का इंटैक्ट एनडीए पूरी मजबूती के साथ रहेगी और इस बार जितना मत मिला था ना पिछले बार, उससे कहीं अधिक मत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और कहीं अधिक सीट हम प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि रामकृपाल यादव कैसे राजद पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि राजद वहां पे 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ वो एक सीट पर चुनाव जीत पाई हैं। इसको लेकर राजनीति गर्म है और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है रामकृपाल यादव, वो उन्होंने देखा आपने कि कैसे निशाना साध रहे हैं। बहरहाल जो भी अपडेट होगा वो हम आपके पास पहुँचाएँगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।